Good morning, dear children. Welcome to the class. Today we are going to start a new chapter of history, How, When, and Where. This is the chapter which is talking about some general terms of history. For example, why it is important to read history? Are the dates important in history? So, before we start this chapter, let's move to certain basic concept, understand what is the importance of history. As all of you know that whatever we are doing today, it is related with history. Anything which you saw near you has some history. For example, if you are taking tea in the morning, so क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये टी कब से पीना शुरू हुआ, लोगों ने कब से इतना इंटरेस्ट लेके टी पीना शुरू किया? It is a question of history, right or not? ठीक है, so we will talk about it. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, how important are dates? ठीक है, sometimes जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो कई सारे लोग आप देखो आपको कहते हुए मिलेंगे कि हिस्ट्री इज अ बोरिंग सब्जेक्ट. व्हाई? बिकॉज देयर आर मेनी डेट्स इन द हिस्ट्री. ठीक है, काफी ज्यादा डेट्स होते हैं, प्लेसेस होते हैं हिस्ट्री में. दैट्स व्हाई हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है. राइट? क्या ये जो कंसेप्शन है, इज इट ट्रू? ओके, we will find about it. ये सही है या नहीं है हम देखेंगे. सबसे पहले हम कुछ questions पूछेंगे अपने आप से. ठीक है, पहला question है, आपने कभी भी सोचा होगा, when did people begin to drink tea or coffee? लोगों ने कब से tea और coffee पीना शुरू किया? दूसरा question है, अगर आप मान लेते हैं railway से जा रहे हो, train से जा रहे हो, खिड़की में बैठ के आप सोच सकते हो ये जो रेलवे है कब बना. ठीक है, कैसे लोग जो है ट्रेवल करते थे रेलवे के पहले, जो लोग पहले होते थे रेलवे जिस समय नहीं था उसके पहले लोग लंबी दूरी कैसे तय करते थे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे, ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है. देन हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगिन टू प्रिंट. लोगों को न्यूज़पेपर जब प्रिंट होना शुरू हुआ उसके पहले लोगों को न्यूज कैसे मिलता था. सो दीज आर द सम क्वेश्चंस. राइट, अब देखो पहला क्वेश्चन है, कब से लोगों ने चाय और कॉफी पीना शुरू किया? क्या आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर डेट होगा कि नहीं? मान लेते हैं कि 14th July 1912 इस दिन से लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया. क्या कोई ऐसा कोई डेट होगा क्या कि अचानक एक दिन लोग सुबह उठे और अचानक उस दिन से चाय पीना शुरू कर दिया या कॉफी पीना शुरू कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता है. राइट और नॉट? चाय पीने का, कॉफी पीने का कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं हो सकता है. राइट और नॉट? ये धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व हुआ होगा. हो सकता है कि कभी किसी ने चाय बनाया होगा पहला दिन, उसने पिया होगा, उसको अच्छा लगा होगा, उसने दूसरों को बताया होगा. राइट, दूसरे लोग भी पीना शुरू किए होंगे, फिर धीरे धीरे चाय और कॉफी पॉपुलर हो गया. सो वी कैन नॉट डिसाइड अ पर्टिकुलर डेट फॉर दीज क्वेश्चंस. राइट, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के लिए हम एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड नहीं कर सकते. राइट, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है ये ओवर टाइम होती है. ठीक है, धीरे धीरे एस्टेब्लिश होता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ. क्या हम कोई एक सिंगल डेट फिक्स कर सकते हैं कि ब्रिटिश रूल हमारे कंट्री में कब से स्टार्ट हुआ? नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश जब यहाँ पर आए थे उन्होंने इंडिया में धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना शुरू किया. राइट, धीरे धीरे अपना कब्जा क्या किया, जमाना शुरू किया. पहले मान लेते कि वो इतना बड़ा पार्ट को अपने कंट्रोल में लिया, फिर इतना बड़ा पार्ट, फिर इतना बड़ा पार्ट, लाइक दैट. सो वी कैन नॉट फिक्स अ डेट कि एक दिन किसी दिन ब्रिटिश सुबह सुबह आए और अचानक से इंडिया को रूल करना शुरू कर दिया. नो, राइट और नॉट? तो
इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री में डेट्स आर इम्पोर्टेंट, बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो पर्टिकुलर डेट ही इम्पोर्टेंट है, राइट? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, अगर ऐसी बात है, डेट्स अगर इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, तो हम हिस्ट्री को क्यों हमेशा जो है डेट्स के साथ एसोसिएट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप देखो, अगर आप अपनी हिस्ट्री की बात करो, तो हम हमेशा कहते हैं 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, है ना, और 1919 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉरी 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, ठीक है, 1857 में झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। तो आप जितने भी ये सारे पॉइंट्स आप देखते हो, इसमें हम इस टाइम को क्यों एसोसिएट करते हैं, डेट को क्यों एसोसिएट करते हैं? देखो, पहले जो हिस्ट्री लिखा जाता था, मोस्टली दैट हिस्ट्री वाज रिलेटेड विद द बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। जो बड़े बड़े राजा होते थे, उनकी लड़ाई कब हुई, ठीक है, उनके मैरिज कब हुए, ठीक है, वो मर कब गए, ठीक है, उस रूलर का कौन सी पॉलिसी किस डेट को लिया, उसका पॉलिसीज क्या था, रूलर कौन थे। तो बेसिकली पहले जो हिस्टोरियन होते थे, वो हिस्ट्री को सिर्फ रूलर के साथ अटैच करके रखते थे, ठीक है, सिर्फ रूलर के लाइफ के साथ अटैच करके रखते थे। बट हम जो पढ़ रहे हैं 2 सालों से हिस्ट्री, आपके क्लास 6 में भी आपने पढ़ा, क्लास 7 में भी पढ़ा, राइट, आपने ये नोटिस किया होगा कि हमने हिस्ट्री में रूलर्स के बारे में कम और लोगों के बारे में हमने ज्यादा पढ़ा। जो कॉमन पीपल हैं, उनके लाइवलीहुड्स, फॉर एग्जाम्पल, कि क्लास 6 में आपने पढ़ा कि आज से लगभग 5,000 साल पहले लोग क्या खाना खाते थे, कैसे रहते थे, है ना, हंटर और गैदरर कैसे रहते थे, ओके। उसके बाद हमने कॉमन पीपल के बारे में जाना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, कि लॉर्ड बुद्धा जब आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए थे, ठीक है। तो हम हिस्ट्री में अगर डेट्स को छोड़ दें, तो हमारे पास और भी कई सारे एस्पेक्ट हैं जानने के लिए, जैसे कि हमारा सिटी और मार्केट कैसे डेवलप हुआ, ठीक है, कैसे नए नए किंगडम फॉर्म हुए, न्यू आइडियाज कैसे स्प्रेड हुए, ठीक है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सोसाइटी है, वो कैसे चेंज हुआ, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम डेट्स, वी हैव मेनी थिंग्स, ठीक है, टू नो, राइट। अब देखो, पहले के जमाने में जो पहले का, आज भी कई बार जो होता हिस्ट्री में क्या किया जाता है, रूलर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। वी शुड लर्न अबाउट द कॉमन पीपल, हिस्ट्री ऑफ कॉमन पीपल, राइट, ठीक है। जैसे हमारे मन में कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो नेशनल मूवमेंट में अपार्ट फ्रॉम लीडर्स, दैट मीन्स जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इसके अलावा लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, जो कॉमन पीपल थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, उनके प्रॉब्लम्स क्या थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल मूवमेंट, जब वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, तो उनके प्रॉब्लम्स क्या थे, राइट, तो ये सब भी हम हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, राइट, ओके। यहाँ पर देखो, एक टी का एडवर्टाइजमेंट है, राइट, ये 1922 में एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, ठीक है, इसमें ये दिखाया गया कि उस समय एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाता था, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, ओके। लुक एट हियर, यहाँ पर इस पिक्चर में आप देखो तो हॉर्स पर एक ब्रिटिश बैठा हुआ है, राइट, ओके। सो ये जो ब्रिटिश है, इसमें आप देखो, ये एडवर्टीजमेंट ये शो कर रहा है कि ये चाय पीने में ही रॉयलिटी है, दैट मींस ये जो टी है, ये रॉयल लोग पीते हैं, राइट। सो ये जो ब्रिटिश है, आपको दिख रहा है, दिस इज द सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, थर्ड सन है, प्रिंस आर्थर नाम है जो बैठा हुआ है वहां पर, राइट, और इनको ड्यूक ऑफ कनाट की उपाधि दी गई थी, राइट। सो सिंपली
दिस इज द वे ऑफ एडवर्टीजमेंट इन विच इट वॉज सोन दैट दिस टी बिलोंग्स फ्रॉम रॉयल फैमिली राइट और दोज पीपल हु ड्रिंक दिस टी आर रॉयल राइट ओके नेक्स्ट वी आर मूविंग टू विच डेट्स आर सिग्निफिकेंट ओके सो लिसन इन हिस्ट्री वी शुड लर्न अदर एस्पेक्ट ठीक है डेट्स आर अ लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट इन अ मैनर देखो ध्यान से कोई भी डेट्स ठीक है इम्पॉर्टेंट कब हो जाता है हम क्यों हिस्ट्री में कभी कभी डेट्स को भी थोड़ा महत्व देते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि जब हम हिस्ट्री को सुनाते हैं राइट हिस्ट्री को जब हम सुनाते हैं तो हिस्ट्री इज लाइक अ हिस्टोरी राइट हिस्ट्री क्या है एक स्टोरी टाइप है राइट तो उसको सुनाने के लिए हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं से रेफरेंस देना पड़ता है ताकि जो स्टोरी हो वो एक तरह से सेंस बने उसका एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो राइट और नॉट अदरवाइज क्या होगा ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं होंगे ठीक है दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं कभी कभी कुछ डेट्स को चुनते हैं राइट कुछ प्लेसेस को चुनते हैं टू टेल द स्टोरी ऑफ दैट प्लेस दैट डेट राइट अब देखो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी स्टोरी को जब हम हिस्ट्री के बारे में सुनाते हैं तो डेट हर एक अलग अलग इवेंट में अलग अलग चेंज होता है ठीक है अगर हम एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ इवेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कुछ डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रिटिश पीरियड के बारे में बात करते हैं अंग्रेजों के बारे में बात करते हैं ठीक है तो सम पीपल बिकम इम्पॉर्टेंट कौन इम्पॉर्टेंट हो जाता है जैसे गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया ठीक है जो ब्रिटिश इंडिया को रूल कर रहे थे वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस हो जाते हैं ठीक है हम आज भी क्या करते हैं इंडिया के हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कुछ लोगों को पढ़ते हैं जैसे वॉरेन हेस्टिंग है ना जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिया माउंटबेटन ठीक है माउंटबेटन इन्होंने क्या किया था इन्होंने हमें आजादी सॉरी यू कैन से कि इन्होंने ही ब्रिटिश के हाथ से इंडिया में पावर ट्रांसफर किया था हमें फ्रीडम दिया था राइट तो हम इनको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं ठीक है अगर हम ब्रिटिश पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है तो क्या जरूरी है कि हम वॉरेन हेस्टिंग और माउंटबेटन के थ्रू ही इंडियन हिस्ट्री को जाने क्या हम इसके अलावे क्या हम इंडियंस के बारे में भी बात कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल की 1757 से 1947 तक हमें हिस्ट्री पढ़ना है अगर इंडिया का हमें हिस्ट्री पढ़ना है राइट तो ब्रिटिश पीरियड के बारे में अगर हम पढ़ना चाहते हैं ब्रिटिश के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे ठीक है टेक एन एग्जांपल हम क्या करेंगे गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे अब इसी पीरियड में 1757 से 1957 के बीच में टेक एन एग्जांपल की हमें इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है किसके बारे में इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुआ हमारी कंट्री में तो क्या होगा इसमें कुछ अलग डेट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस समय की बात करें तो इसमें कई सारे अलग अलग डेट फॉर एग्जाम्पल 1860 के समय का डेट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि उस समय कई सारे मिल इंडिया में सेटअप हुए थे ठीक है अब अगर हम बात करेंगे कि इंडिया में हम वैसे लोगों की बात करेंगे जो फिलोसफर थे एक अच्छा राइटर्स थे जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर तो डेट अलग हो जाएगा ठीक है रविंद्र नाथ टैगोर के बारे में अगर बात करेंगे तो डेट अलग हो जाएगा ठीक है इसी बीच में 1757 से 1947 में अगर हम रेलवे के बारे में बात करेंगे रेलवे की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो डेट्स अलग हो जाएंगे यहाँ पर क्या डेट्स आएंगे कि कौन कौन सा कारखाना कब कब सेटअप हुआ ठीक है क्या प्रॉब्लम्स आए थे रेलवे सेटअप करने में ठीक है उसका क्या सॉल्यूशन निकला कौन कौन से ऐसे लोग थे जो इससे एसोसिएटेड थे तो यहाँ पर अगर हम रेलवे के बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री तो उसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बहुत कम आएगा राइट और नॉट यहाँ पर कुछ दूसरा चीज आने लगेगा यहाँ पर दूसरा डेट्स आने लगेंगे दूसरे पर्सन आने लगेंगे राइट और नॉट तो इट मींस दैट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो
अलग अलग इवेंट जब हम चीज चूज करते हैं तो उससे रिलेटेड डेट्स भी अलग अलग हो जाते हैं. अंडरस्टूड? ठीक है. सो दैट इज अबाउट आवर हिस्ट्री. अब अगर हम हिस्ट्री में अगर हम एजुकेशन के बारे में पढ़ने लगे कि हमारे कंट्री में एजुकेशन कैसे डेवलप हुआ बिटवीन 1757 टू 1947, तो एजुकेशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे. हिस्ट्री में इसका हिस्ट्री अलग होगा, इसका डेट्स अलग होगा, राइट? दैट मीन्स द डेट्स बिकम इम्पॉर्टेंट. ठीक है. इट इज बिकॉज ऑफ इवेंट्स. हम कौन सा चीज चुनते हैं, हम किस बारे में पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री में, उसके अनुसार से डेट सिग्निफिकेंट होता है, डेट इंपॉर्टेंट होता है, राइट? अंडरस्टूड? ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हाउ डू वी पीरियडाइज आवर हिस्ट्री. हिस्ट्री को हम कैसे पीरियड वाइज में डिवाइड करते हैं. देखो, जेम्स मिल 1817 में एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है एंड पॉलिटिकल फिलोसफर है. इन्होंने एक तीन वॉल्यूम का तीन किताब इन्होंने पब्लिश किया था, जिस किताब का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, राइट? इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को तीन भाग में डिवाइड किया. इन्होंने कहा कि पहला हिंदू पीरियड, सेकेंड मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड. इन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्होंने ऐसा इसलिए किया टू क्लासिफाई इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ रूलर. ठीक है. जैसे अर्लियर एंशियंट टाइम में यहाँ पर हिंदू रूलर हुआ करते थे, जैसे अशोका है, चंद्रगुप्त मौर्य है, राइट? देवर हिंदू रूलर. बीच में आफ्टर 1200 एडी, राइट, यहाँ पर मुस्लिम रूलर का राज था इंडिया में, राइट? मुस्लिम्स थे, जैसे अकबर, बाबर, है ना, ये लोग थे. तो इनको इस पीरियड को क्या बोल दिया? मुस्लिम पीरियड बोल दिया. और जब अंग्रेज इंडिया आए तो उसको क्या बोल दिया? ब्रिटिश पीरियड बोल दिया, राइट? अब क्वेश्चन ये है कि क्या जेम्स मिल ने जो ये डिवीजन किया, क्या ये सही है? क्या जिस समय मुस्लिम रूलर थे, राइट, जिस समय हमारे कंट्री में मुस्लिम रूलर थे, क्या उस समय सिर्फ मुस्लिम पीपल इंडिया में रहते थे? नहीं, उस समय भी हिंदू थे, राइट, और मुस्लिम भी थे, ठीक है, सिख भी थे, है ना? क्या जब जेम्स मिल ने कहा हिंदू पीरियड, तो क्या उस समय सिर्फ हिंदू लोग रहते थे? नहीं, हिंदू के साथ साथ जैन भी लोग रहते होंगे, बुद्धिस्ट लोग रहते होंगे, राइट और नॉट? तो अगर जेम्स मिल ने हिंदू या मुस्लिम पीरियड कहा, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जेम्स मिल ने सिर्फ रूलर को इंपॉर्टेंस दिया? क्या ऐसा करना चाहिए? क्या कॉमन पीपल नहीं थे उस समय? ठीक है. सो उसी तरह उन्होंने तीसरा पीरियड जो रखा वो ब्रिटिश पीरियड रखा, राइट? ठीक है. तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जेम्स मिल ने क्या किया, सिर्फ रूलर्स को देखा कि रूलर्स का रिलीजन क्या है, उसके बेसिस पे उसने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया. जेम्स मिल को इस बात को समझना चाहिए कि अगर कोई हिंदू रूलर है या फिर मुस्लिम रूलर है, तो उस समय कई सारे लोग जो वहां पर रह रहे हैं वो डिफरेंट रिलीजन के होंगे. ठीक है. वी कैन नॉट डिवाइड आवर हिस्ट्री ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन ऑफ वन पर्टिकुलर रूलर, राइट? ठीक है. अब देखो, चलो जेम्स मिल ने इसको डिवाइड तो किया. अब क्वेश्चन आता है कि हम क्यों डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को, हिस्ट्री को हम क्यों डिवाइड करते हैं? देखो, इसका सिंपल सा आंसर है कि कई बार हम क्या चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर फेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक पर्टिकुलर फेज का जो फीचर्स हैं, ठीक है, वो दूसरे फेज से अलग होता है, राइट? एक पर्टिकुलर फेज का फीचर्स दूसरे पर्टिकुलर फेज के फीचर से अलग होता है. ठीक है. तो हम कई बार क्या करते हैं इसको कंपेयर करने के लिए कि उस समय में ऐसा था, उसके बाद ऐसा हो गया, ठीक है, आज के समय में ऐसा है. तो कंपेयर करने के लिए हम कभी कभी क्या करते हैं, हम अपने हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि हमने पहले वाले पीरियड से कितना डेवलप किया, ठीक है, और आगे कितना डेवलप करना है, राइट? सो दिस वाज द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री बाय जेम्स मिल. ठीक है. प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स क्या था जेम्स मिल के साथ, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने जो डिवाइड किया, क्या प्रॉब्लम था? देखो, जो जेम्स मिल था वो काफी ज्यादा यू कैन से वो ये सोचता था कि जो एशियन सोसाइटीज हैं, ठीक है, इंडिया जो है वो लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पे है, दैट मीन्स इंडिया में काफी ज्यादा अंधविश्वास है, ठीक है, लोग जो है लोगों के पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, ठीक है, लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा जेम्स मिल का मानना था, ठीक है। और ये जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि अगर अंग्रेज इंडिया आएंगे तो वो इंडियंस को सिविलाइज करेंगे। सिविलाइज करेंगे कैसे? इंडियंस को आर्ट सिखाएंगे, ठीक है, लॉ सिखाएंगे, नए नए साइंस के नॉलेजेस सिखाएंगे, ठीक है। तो मिल का कहना था कि जो पूरा इंडिया का एरिया है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में होना चाहिए, ब्रिटिश इंडियंस को सिखाएंगे कि कैसे रूल करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मिल था, जेम्स मिल था, वो ये कंसीडर करता था कि हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड जो है ये बैकवर्ड पीरियड्स थे, ठीक है। उस समय इंडियंस को कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो क्या हुआ, यहाँ पर ब्रिटिश ने इंडियंस को सिविलाइज करना शुरू किया, ब्रिटिश ने इंडियन को नए नए नॉलेज देने शुरू किए, ब्रिटिश ने इंडियंस को सिखाया कि कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, ठीक है। इज इट राइट? नो, इट इज नॉट राइट, ठीक है। इसमें ये प्रॉब्लम है, क्या ऐसा सही है? क्योंकि हमारे हिंदू पीरियड में भी और मुस्लिम पीरियड में भी कई सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने बहुत कुछ किया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, देर वॉज मेनी लीडर जैसे लॉर्ड बुद्धा जिन्होंने काफी सारी चीजें सिखाई हमारे कंट्री को, राइट। तो ये जेम्स मिल का, देखो यहाँ पर यू कैन लुक एट हियर दिस पिक्चर, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ये ब्रिटेनिया है, राइट। ब्रिटेनिया मतलब जो ब्रिटेन की, जिस तरह से हमारा भारत माता होता है, राइट, तो ब्रिटेन में भी वहां की जो मदर गॉडेस है, नेशन को जो पर्सोनिफाई किया है वो है, राइट, ब्रिटेन कंट्री की। यहाँ पर देखो जो इंडियंस हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, ये लोग कौन है, ब्राह्मण्स हैं, और ये वेद ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा पुराना जो स्क्रिप्चर्स है वेद, वो ब्रिटेनिया को ऑफर कर रहे हैं, दे रहे हैं, और ये झुके हुए हैं सामने, यू कैन सी हियर दिस ब्राह्मण्स आर बोइंग इन फ्रंट ऑफ अ ब्रिटेनिया, राइट। तो ये ब्रिटानिया के सामने जो है इस तरह से झुके हुए हैं, और ये जो पेंटिंग किया गया है ये जेम्स रेनल ने किया है। इस पेंटिंग से ये नजर आता है कि जो इंडियंस हैं, राइट, वो क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इससे, ब्रिटानिया से, कि आप मुझे ये वेद आप रखो और मुझे सिविलाइज करो, ठीक है। तो इस पिक्चर से ये शो किया जा रहा है कि इंडियंस कितना बैकवर्ड थे, ठीक है, ओके। अब हमारे सामने है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि हिस्टोरियंस करते हैं। हिस्टोरियन ने कहा कि नहीं, जेम्स मिल ने जो क्लासिफिकेशन किया है हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में वो गलत है। तो कई सारे हिस्टोरियंस ने हमारे हिस्ट्री को तीन भाग में फिर से डिवाइड किया, पहला एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, राइट। तो एंशियंट यू नो पहले का समय, पुराना समय, मेडिवल मतलब बीच का समय, और मॉडर्न मतलब आज का समय। तो ये इन्होंने ये तीन नाम क्यों दिए? जो हिस्टोरियंस हैं उसका मानना है कि एंशियंट टाइम में, राइट, पुराने समय में जो साइंस थी हमारी उतनी डेवलप नहीं थी, राइट, ठीक है, लोगों को साइंस और रीजन के बारे में पता नहीं था, लोग अंधविश्वास में सब कुछ करते थे, राइट, कब, इन द एंशियंट टाइम एज वेल एज इन द मेडिवल टाइम, ठीक है। जबकि इन मॉडर्न टाइम क्या हुआ, लोगों के पास साइंस भी है, लोगों को लिबर्टी भी है, फ्रीडम भी है ना, लोग अच्छे तरीके से जी रहे हैं, ठीक है। तो मॉडर्न को उन्होंने इसलिए मॉडर्न कहा क्योंकि उनको लगता था, हिस्टोरियंस को लगता है कि मॉडर्न समय में लोगों के पास सब कुछ है, लोगों के पास फ्रीडम है, लोगों के पास लिबर्टी है, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लोगों के पास साइंस का नॉलेज है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि क्या ये क्लासिफिकेशन सही है, क्या इसमें भी कुछ कमी है? यस, इसमें भी कुछ कमी है।
इंडिया की अगर हम बात करें तो जिस समय ब्रिटिश यहाँ पर थे, इंडिया में जिस समय ब्रिटिश थे, उसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियड कहते हैं, ठीक है। जब लेकिन मॉडर्न पीरियड कहने का एक प्रॉब्लम ये है कि जब ब्रिटिश यहाँ पर थे तो क्या हमें यहाँ पर लोगों को फ्रीडम मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था? नहीं हो रहा था, ठीक है। लोगों के बीच इक्वालिटी थी? इक्वालिटी नहीं थी। तो ये मॉडर्न कैसे हुआ? हाउ वी कैन से दिस पीरियड एज अ मॉडर्न, राइट और नॉट? ठीक है, चूंकि जो क्लासिफिकेशन मॉडर्न रूप में हुआ है एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न में, हिस्टोरियन का मानना है कि मॉडर्न जो टाइम है, मॉडर्न टाइम में लोगों को सब कुछ मिलता है, फ्रीडम मिलता है, लिबर्टी मिलता है, लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ब्रिटिश यहाँ पर थे उसी पीरियड को मॉडर्न कहा जाता है इंडिया के लिए, लेकिन क्या इस समय में लोगों के पास फ्रीडम था, इक्वालिटी था, लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी? नहीं हो रही थी। देन हाउ वी कैन डिवाइड इट? हम कैसे कह सकते हैं कि एंशियंट टाइम जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि उस समय भी एंशियंट टाइम में भी कई सारे नॉलेजेस थे। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे लोगों को पता था कि कैसे लोगों को ठीक करना है विद द हेल्प ऑफ यू कैन से जड़ी बूटी जो होता है, ठीक है, फॉरेस्ट से वो लाते थे तोड़ के और उसको खिलाते थे, लोग ठीक हो जाते थे, ठीक है। तो हम इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते कि नहीं एंशियंट बहुत पिछड़ा समय था, मेडिवल उससे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, मॉडर्न बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ। वी कैन नॉट से, राइट और नॉट? एंशियंट टाइम में भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मॉडर्न समय में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उस समय बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, लोग साथ में मिलके रहते थे, खुशी खुशी रहते थे। आज मॉडर्न टाइम में नहीं रहते हैं, राइट और नॉट? तो हम ये सोच के क्लासीफाई नहीं कर सकते कि एंशियंट जो है काफी पुराना था और मॉडर्न में काफी कुछ है अच्छा चीजें हुआ, राइट। सो दिस वॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। आज के लिए इतना रहने देते हैं, रेस्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।